गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो आप तो देख रहे हैं जीव बहुत बहुत आनंद कर रहा है क्योंकि कल संडे है, आज सैटरडे था, सैटरडे तो चले गए संडे और मंडे में तो 15 अगस्त है, वो भी उस दिन भी स्कूल नहीं है, तो जीव का तो आनंद का ही दिन है ना। मॉर्निंग वो पालनिया दिन है, क्लास नहीं हूँ। तो इतना हम तो बाजार गए थे और इतना ही पानी बढ़ गए हैं, तो इसलिए कुछ खाना खरीद के रखा हूँ जो हम खा सकते हैं, फ्लैट में भी खा सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। तो जैसे कि सोयाबीन, उसके बाद दाल, पोस्ता, और ये देखो ये तो सोयाबीन है, वो जैसे कि तेल, और ये है मटर और कश्मीरी मिर्च, ये तो लगेगा ही। सोयाबीन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिए है, ये है सूखा हुआ मिर्च, चाय का पैकेट ताज़ा, और इसमें है साबुन तो खाना के साथ रखने के बाद स्मेल हो जाएगा, ये है विम बार है, देखना पड़ेगा, और हल्दी का पैकेट, जीरा का पैकेट, और इसके बाद है इसमें बेसन थोड़ा सा ज़्यादा लिए है, जब पूछी नहीं रहेगा तब बेसन सोया इसको ही देकर खाना पड़ेगा क्योंकि फ्लैट होने से चीज़ों का जो मूल्य है वो भी बढ़ जाएगा, तो यही सारा मार्केटिंग किया है। और मैंने लिया है और एक गोभी भी लिया है, और इसमें खीरा भी है, सोया का पैकेट यहाँ पर रख दिया है, ये ज़्यादा ख़रीदा है, ये देखो ये रहेगा, ख़राब नहीं होगा, और कुछ नहीं रहेगा तो सोयाबीन और बेसन से ही हम लोगों को खाना पड़ेगा यहाँ पर। और जीव के लिए एक मैंगो है, ये तो हम कल अचार बनाएंगे, और ये तो जीव के लिए चाउमीन, स्कूल में जाते हैं चाउमीन मैगी तो लगता है, हर वक्त दुकान जाना पड़ता है, तो एक बड़ा पैकेट ले लिया है चाउमीन का। तो ये रहा कैप्सिकम, येलो वाला कैप्सिकम, जीव तो हर वक्त हरा कैप्सिकम खाते हैं, तो मैंने उसके लिए कल चाउमीन बनाऊंगी, और जो कॉर्न लिया है बाज़ार से, कॉर्न का चाट बनाएंगे, तो इसलिए मैं धनिया पत्ता और गोभी और ये कैप्सिकम लिया है, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। कल संडे है, वो तो संडे में बहुत अच्छा अच्छा चीज़ खाने के लिए मुझे जिद करता है, तो कल बनेगा कॉर्न का चाट। मैं बाज़ार से चले आए तो इतना पानी, जो पुल से हम जाते हैं आपको तो दिखाया, वो पुल क्रॉस करके जाते हैं, बहुत पानी। तो अभी पकोड़ा ले आए हैं, पकोड़ा देकर मुड़िया खाना चल रहा है, तो जीव बैठ गए, आप लोग देख रहे हैं, देखो मुड़िया ये लो, तो पानी के कारण से जीव का पापा मुझे लेने गए थे।
है? ये क्या है? ये तो मुर्गी है। हाँ कोई कोई, लेकिन इसको हम रखेंगे का लड्डू है, येलो मुड़िया है, एको की किस लिए इसको भेजा है मुझे तो पता नहीं। ये तो चिटिया चिटिया लग गए। रखो रखो, एक दारू चीनी दे देंगे। हाँ दारू चीनी नहीं लगाऊंगा, ये तो घर का मुड़िया है। मुड़िया रखने के पास डिब्बा नहीं है? नहीं, एक ही डिब्बा है। तो मुड़िया उसके पास है, इस इसके पास है। और पुराना एक पैकेट था ना, उस पर ट्रांसफर कर दो, ये तो फट गई है ना, मुड़िया खराब हो जाएगी। इस पे चावल है और वो देखो आलू, ये आलू कितना बड़ा बड़ा लंबी लंबी आलू है ना। केवाइस, इसका नाम केवाइस है। डब्बा नहीं मेरे पास, फटा हुआ और एक डब्बा चाहिए। 8 बज गए, लेना। अरे नहीं, ये पैकेट में ट्रांसफर हो रहा है। अभी तो स्कूल जाना बहुत मुश्किल की काम है, क्योंकि एक पुल क्रॉस करके मैं स्कूल जाता हूँ। बारिश से इतना पानी हो गया, जो बाढ़ हो गया, छोटा सा जो पुल है वो पुल भी टूट गया। हम लोग एक साथ एक नाव यानी कि बोट से इस पार उस पार होते हैं। तो चलिए हम स्कूल के साइड में जो नदियाँ है वो आप लोग, अभी हम एक छोटा सा क्लिप ले आए हैं आपके लिए, आप देखिए। তবে তো বলবে যে এরা আছে কেউ, চলো না তাই তো হবে। কি আছে वो देखो, घर टूट गया, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। Thank you.
इतना पानी है। तो आपने तो देखा इतना पानी का हालत ख़राब है, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गए है। और पिछले साल जो है ना उसका स्कूल पानी के नीचे चले गए थे और घर भी टूट गए। तो ऐसा ही अगर पानी बढ़ते रहे तो मुश्किल हो जाएगा। पिछले साल हमारा घर पर पानी आ गए थे, हम जो ये घर पर रह रहे हैं अभी, तो ऐसा ही अवस्था है। वो तो स्कूल जाते हैं लेकिन मैं बहुत चिंता में रहता हूँ कि इतना पानी और इस तरह से इस पार से उस पार होना, उस पार से इस पार आना, ये बहुत चिंता की एक बात है। खूब अच्छा हो तो 2-4 दिन के लिए स्कूल अगर छुट्टी दे दे, पानी कम जाएंगे फिर स्कूल चालू हो जाएगा, चिंता से मुक्त रहेगा और सब लोग सुस्त भी रहेगा। लेकिन नहीं देंगे, जब पानी घुसेगा स्कूल के अंदर तब छुट्टी देगा, ये उसका स्कूल का नियम है, क्या जाने क्या होगा। तो अभी पोस्ता बन रहा है, भीगे हुआ चावल है, चावल के साथ पोस्ता खाएंगे। लेकिन जीव का बड़ा जो अंकल है वो तो आप तो जानते हैं पोस्ता नहीं खाते, उसके लिए बेसन का बड़ा बनाना पड़ेगा फ्राई। ये देखो बेसन फ्राई भी रेडी है। तो आज जीव का जो बड़ा अंकल है वो अच्छे मिठाई ले आया है। ये देखो ये मिठाई है, मैं बार बार मना करता हूँ कि इतना ज़्यादा मिठाई घर पर मत ले आओ, लेकिन 2-4 ले आओ, इतना सारा मिठाई तो वो बोलता है। रास्ता पर क्रॉस कर रहे थे और गरम गरम अच्छा हो रहा था तो लेकर चले, 2-3 दिन रख कर खाना, जीव को टिफ़िन भी देना। तो ये देखो मिठाई, रोटी तो नहीं बना, कल रोटी बनाएंगे तो फिर मिठाई खाएंगे। ये देखो मिठाई खा रहा हूँ, खाने में तो बहुत टेस्टी है, ज़्यादा नहीं खाऊँगी क्योंकि अभी तो चावल खाना है। तो फ्रेंड्स इतना ही, यहाँ का अवस्था ख़राब है, मुश्किल है और सब्जियों का दाम इतना बढ़ गया है, खाने का लायक नहीं रहा, कुछ नहीं खाऊंगी, वो सोयाबीन बेसन खाकर रह जाऊंगी और सब्जियां थोड़ा सा ले आऊंगी जीव के लिए। मैं तो यही तय किया हूँ। तो फ्रेंड्स आज का फिर मिलेंगे हम लोग के साथ, बाय बाय। वो बोलने के लिए तो तुम तैयार हो, चलो आज ब्लॉग खत्म करते हैं, गुड बाय।